टूल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होगी। और मैं फिर कल एक वीडियो स्किप कर गया बिकॉज मेरे पे थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं कुछ फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते रहूँ। और ये जो मैंने इंट्राडे सीरीज को एक कंटिन्यूशन में रखा है, इसको रेगुलर बेसिस पे हम इसको चलाते रहें, ठीक है। सो क्विकली मैंने कुछ स्टॉक लिस्ट शेयर करी थी, जिसमें से एक स्टॉक लिस्ट थी जो आपके कुछ अपने अपने स्टॉक नेम्स थे, उसके बेसिस पे मैंने अपने पर्सनल व्यू शेयर करा था। सेकेंड स्टॉक लिस्ट मैंने वो शेयर करी थी जो स्टॉक जिनकी जिनका प्राइस होता है बेसिकली 200 रुपए से नीचे, मैंने उन स्टॉक्स लिस्ट शेयर करी थी। उसमें से काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो एक बड़ा मूव दे चुके थे, मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी करा था। तो इन केस अगर आपने मेरा टेलीग्राम अभी सब्सक्राइब नहीं करा, यू कैन चेकआउट माई टेलीग्राम, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ उनमें से कुछ स्टॉक उठाए हैं मैंने, जिसमें से और वो अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुके हैं, काफी ज्यादा बड़ा मूव मिल गया उनमें। सो वन ऑफ द स्टॉक इज मैंगलोर केमिकल्स, ठीक है। ये इसने अपना वीकली पे मैंने बताया था कि एक वीकली पे ट्रेंड लाइन पे इसने ब्रेकआउट दिया है और काफी अच्छी मूव मिल रही है। सो अभी भी वो वहां पे सस्टेन कर रहा है जाकर के, और आई फील अभी भी उसमें काफी ज्यादा स्टीम लेफ्ट है। सेकेंड वॉज किर्लोस्कर। किर्लोस्कर अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने कुछ इस लेवल पे बताया था 145-146 के आसपास, आज वो 168-60 का लेवल ऑलरेडी होकर क्या है, और अभी भी इसमें लगता है कि हाँ मैंने एक अपसाइड जो एक लेवल बताया था वो अभी भी सस्टेन है। इन केस अगर आपने वो वाला वीडियो भी नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप क्विकली वो वीडियो देख सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कौन कौन से स्टॉक लिस्ट है इनके अलावा जो आप जिनके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टॉक वॉज M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस आई थिंक बहुत सारे लोगों के रडार पे था और बहुत अच्छा मूव मिला है M&M फाइनेंस में, ठीक है। सो अब फर्दर और कौन से स्टॉक्स हैं जो इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म व्यू के लिए, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं और क्या उसमें एक्चुअली व्यू निकल रहा है। सो फर्स्ट स्टॉक इज PNB हाउसिंग। इन केस PNB हाउसिंग, वैसे बेसिकली मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट कर दिया था क्विकली, बिकॉज होता क्या है ना कि अब वो लाइव में एक बार उसने ब्रेकआउट दिया था और मेरे पे इतना टाइम नहीं लग पाया कि मैं उसको पोस्ट कर पाऊं। बट येस, मैंने फिर भी कोशिश करी कि जब वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया वो मैंने पोस्ट कर दिया, और मेरे कुछ पर्सनल ग्रुप से जहां पर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका था 380 के आसपास, तो 380 से इट एक्चुअली वेंट अप टू 418, 418 रुपए तक गया था, और अब जो एक्चुअली इसने क्लोजिंग दी है वो 409.85 रुपए पे इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अभी इसके अंदर अपस्टीम लेफ्ट है कि नहीं है, येस अपस्टीम अभी भी लेफ्ट है इसमें, और आई थिंक अगर ये अपना कंटिन्यू रखेगा मूव को तो आई फील यहां से और 70 से 80 पॉइंट की अपसाइड और मिलनी चाहिए PNB हाउसिंग में, ठीक है। सो फर्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी PNB हाउसिंग फॉर एटलीस्ट 70 to 80 पॉइंट्स का अप मूव। ठीक है, सेकेंड स्टॉक ऑन माई रडार वुड बी लुपिन। लुपिन को अगर मैं क्लोजली वॉच करता हूं, ये बेसिकली इंट्राडे वाला व्यू है, लेट से इंट्राडे या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मतलब कल मैक्स टू मैक्स एक परसों वाला टाइप्स व्यू है, अगर वो लेवल्स पे सस्टेन करता है। सो अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो इंट्राडे में इसने यहां पर एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन से आ रहा था और एक बार बार रेजिस्ट करते करते इसने अपना एक अपमूव स्टार्ट करा, ठीक है। इट एक्चुअली क्लोज्ड एट 1099। फर्दर अपमूव कहां तक मिल सकती है, तो इसके मैंने दो लेवल्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, दिस इज 1113, ठीक है, 1113 रुपए, और दूसरा होगा 1123। शॉर्ट टर्म में आई फील ये वाले लेवल्स इसको क्विकली दिखा देने चाहिए नीचे की तरफ, अगर ये गिरता है और एक्चुअल बाइंग लेवल्स कहां पर आते हैं इसके, देखो अगर ये ऊपर खुल गया वहां से निकल गया, इंट्राडे का नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होती है या कहां पर जाता है हमें उससे मतलब नहीं है, बट यस अगर मेरे को बाइंग लेवल्स देखने चाहिए तो आई फील एक बारी अगर ये जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है अगर इस पॉइंट को अगर ये रिट्रेस करता है लेट से 1080 तक भी, तो दिस वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एंटर लुपिन और अपसाइड वापसी ये अपनी ऊपर की तरफ दिखा दे, ठीक है। सो इंट्राडे के लिए फर्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी लुपिन। सेकेंड स्टॉक वुड बी BHEL। अगर आप BHEL को मैं छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखता हूं तो रिजल्ट आने के बाद इसने अपना एक डाउन मूव शुरू करा, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पर हुई कि BHEL रिजल्ट आने के बाद बैन में चले गया। सो बैन में यूजली क्या होता है कि अपनी आप फ्रेश पोजिशन नहीं बना सकते हो, बी इट लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड, जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजिशन से आपको वो स्क्वायर ऑफ करनी होती है, ठीक है। तो आई फील काफी दिनों से ये एक साइडवेज जोन में चल रहा था और वहां पे पोजिशन कम हो रही थी धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगता है कि आज ये शायद बैन से निकल जाएगा, और
इसने अपना जो एक रेंज था, जिस रेंज में घूम रहा था, 3790 से लेकर के 3950 वाली जो रेंज में बहुत दिनों से घूम रहा था, आज फाइनली उसने वो ब्रेकआउट दिया और इसने अब अपनी एक अपसाइड शुरू करने की कोशिश करी है। ठीक है, आई फील अगर ये 3950 3940 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड लेवल्स शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइप्स में बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए आई फील ये 4130 और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 4270 वुड बी द लेवल्स टू एक्चुअली वॉच फॉर। ठीक है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम वहां पर उसको फिर रिव्यू करेंगे, बट ये 15 मिनट्स वाला टाइम फ्रेम है, बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है कि एक्चुअली ये कहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टॉक ऑन माई रडार वुड बी गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टी ने भी एक अपना अच्छा मूव दिया है और फाइनली आज इसने भी अपना एक ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अगर आप इसको क्लोजली वॉच करते हो तो यहां से एक रेजिस्ट कर रहा था एंड इसने अपना ट्रेंड लाइन के ऊपर एक जोन निकाला। ठीक है, इट एक्चुअली क्लोज्ड एट 1522, जो लास्ट का सेटलमेंट हुआ है वो 1522 पर हुआ है। आई फील यहां पर एक लेवल पर आने के बाद 1545 1548 1545 एंड 1548 वुड बी द लेवल्स टू वॉच फॉर। वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा रेजिस्ट करे, बट इन केस अगर वो लेवल वहां से अब तोड़ देता है, 1550 के ऊपर जाकर के अगर इसे सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि यहां से और 30-40 पॉइंट की अपसाइड इसमें दिख जाएगी फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए एक क्विक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, जो स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, और फर्दर हम इंट्राडे में स्टॉक्स कौन कौन से मूव अपना दिखा सकते हैं। सो एक छोटी सी एक वीडियो थी इंट्राडे सीरीज के ऊपर जो हम रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक।